काजी फायज ईसा साहब बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान लगाया गया, जो आईन ही की खिलाफ वर्जी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे पाँव से ज़मीनी जो है वो खींच ली है। हमें आप पर एतमाद नहीं है, इसलिए हम 25 करोड़ आवाम के पास इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आपकी अदालत का बाइकॉट करता हूं। 11,000 डबल स्टैंपिंग करके उसको 3,000 वोटों से हरा दिया, अब उसको काजी साहब ने MNA बना दिया है। कमिश्नर भी कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस साजिश में शामिल हैं। देखें, आज का मसाला बहुत ही अहम और बहुत ही मैं समझता हूँ परेशान कुन मसाला है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी उल कज़ाक, जो कि पेटर फेमिलियस बाप होता है जुडिशरी का, इंसाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, अगर वो इस नहज पर किसी के ज़ाती मुखासमत पर उतर आए तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सब्र कर लिया। अब हमने जो आज दरख्वास्त देने की कोशिश की, मेरे AOR ने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में 19 को लगी हुई है। हमने एक दरख्वास्त देना थी कि काजी फायज ईसा साहब रिक्यूज़ कर दें, रिक्यूज़ल की दरख्वास्त हमने देना थी, वो हमारे सारे लोग गए वहाँ, हमारे AOR ने इनकार कर दिया। हमने कहा चले हम बराए रास्त देते हैं, घुमाया गया हमें डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएं, रजिस्ट्रार के पास जाएं, फलां के पास जाएं, फलां के पास जाएं, सब ने इनकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ ऐसा। मेरे भी पांच दिहाइयों पर मुहित इन्हीं ऐवानों की खाक मैंने छानी है, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दरख्वास्त ली ही ना जाए सिरे से, यानी उसको दरख्वास्त ली ही नहीं गई, एंटरटेन ही नहीं की गई है। इसीलिए हमने समझा ये कि आपके तवस्त से न सिर्फ चीफ जस्टिस तक हम अपनी इस्तदा पहुंचा सकें, बल्कि कौम के सामने भी हम अपना इस्तदलाल रख सकें। और रिक्यूज़ल की वजह जो है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब क्यों कर हमारे ये 19 तारीख को जो केसेस लगे हुए हैं उनको क्यों न सुने, उसकी वजूहात भी जो है उसमें दर्ज की गई हैं दरख्वास्त में, और वो मैं आपको मुख्तसरन बयान भी कर देता हूँ। काजी फायज ईसा साहब को बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान लगाया गया, जो आईन ही की खिलाफ वर्जी थी। इनकी तायनाती बतौर हाई कोर्ट के जज की बजाय इनको चीफ जस्टिस डायरेक्ट लगाया गया बलूचिस्तान में। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता कि ये बराह रास्त जो उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था बलूचिस्तान, वो ही नाजवाजन था। इनकी जाहिर है कि ऊपर तक जो है परवाज बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसी की बुनियाद पर हुई, तो उसका भी जाहिर है कि अगर बुनियाद ही गलत हो तो इमारत उस पर जो है वो सारी की सारी जो है क्रम्बल हो जाती है। चलें इसको भी दरखुरे इतना कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। इनके खिलाफ बवजूह जो शवाहिद आए, इनके बच्चों के और बीवी के खिलाफ जो इनकी एसेट्स थे लंदन के, उनकी बुनियाद पर जो कि इनके खिलाफ एक रेफरेंस की गई, और वो रेफरेंस जो है उसमें पहले 10 जज साहिबान ने फैसला किया कि इनका जो है FBR इनका जायज़ा ले, और वो 6-4 की निस्बत से हुआ था। बाद में रिव्यू में 4-6 की रिवर्स हो गया और ये क्वाश कर दी गई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई प्रोसीडिंग्स को, और उस दिन से ये जनाब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है वो फरामोश नहीं कर सके। और माशाल्लाह सरीन खोसा हैं वो, इनकी वाइफ मेरी कौम से मुताल्लिक हैं, बलूचिस्तान के खोसा जो हैं वो जो है इनके ख़िलाफ़ जो कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ हर्जा गोई लिखती रही हैं वो भी हमने साथ लगाया, उसका ज़िक्र भी किया है। अब अगर बताएं कि एक शख्स जो है इस नहज पर जाकर कि उसकी बीवी जो है किसी को ऐसी हर्जा गोई कर रही हो, ऐसी जहर उगल रही हो उसके ख़िलाफ़, तो क्या उसका खामन जो है वो गैर मुतासर होगा या उसका कोई उसमें जो है अमल दखल नहीं होगा, या वो उससे जो है बिल्कुल
मुबर्रा हो जाएगा या रहेगा। तो ये भी हमने लिखा है कि जनाब ये चीज़ मवाद जो हमारे सामने आया है, आपकी भी बेगम साहिबा बहुत ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लिखती रही हैं, और ये तहरीरी चीज़ें हैं, तहरीरी चीज़ें हैं, इसलिए इससे इनकार भी नहीं हो सकता। और एक बात तो ये है कि रेफरेंस की उसकी आज तक फरामोश नहीं कर सके। दूसरा, इनकी बेगम साहिबा ने बहुत कुछ लिखा है इमरान खान के ख़िलाफ़। तीसरा, आप देखिएगा कि जो जितने आज तक फैसले इन्होंने किए हैं माशाल्लाह, चाहे वो हमारा सिंबल का केस था, सिंबल में हमें हवा में बखेर के फेंक दिया, और मैंने ये चीज़ जस्टिस साहब को बरमला उनके फेस पर उनकी अदालत में उन्हीं के सामने खड़े होकर कहा था कि हम तो जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे पाँव से ज़मीन ही जो है वो खींच ली है, ज़मीन ही खींच ली है हमारे पाँव से, हमें आप पर एतमाद नहीं है, एतमाद नहीं है, इसलिए हम 25 करोड़ आवाम के पास इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आपकी अदालत का बायकॉट करता हूँ। वो हमने अपनी पिटीशन जो है इन्होंने डिसमिस कर दी थी उस बिना पर कि मैं पैरवी नहीं करना चाहता, लेकिन इन अल्फाज के साथ जो मैंने आपके सामने दोहराए हैं। फिर आप देखिएगा कि ये इनके ख़िलाफ़ सबका चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब ने, गुलजार अहमद खान की 5 रुकनी बेंच ने जुडिशल फैसले में लिखा, जुडिशल फैसले में, कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा होगा उसमें काजी फ़ायज़ ईसा बतौर जज के बेंच पर नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। ये जुडिशल फैसला है, आज तक इसको किसी ने सेट असाइड नहीं किया है, मुस्तरद नहीं किया है, फिर आप कैसे बैठ सकते हैं जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो मुकदमा हो। और फिर हम देख रहे हैं कि जितने फैसले आ रहे हैं हमारे एमएनएज़ को, रिसेंटली आप देखें क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जब इलेक्शन कमीशन जो है उसको कोई अख्तियार नहीं रहता है, जब कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स हो जाता है, जब एमएनए नोटिफाई हो जाता है, जब वो हल्फ ले लेता है, जब ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, तो उसके बाद आर्टिकल 225 ही आता है, रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। यहाँ 20 हमारे ऐसे एमएनए हैं जिनका रिकाउंटिंग करवा के जीते हुए, जो मेरा एक उम्मीदवार जो है वो 8000 वोटों से जीता हुआ था, रिकाउंट में 11000 डबल स्टैंपिंग करके, 11000 डबल स्टैंपिंग करके उसको 3000 वोटों से हरा दिया। अब उसको काजी साहब ने एमएनए बना दिया है, उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट करके, और इसी तरह बाकी लोगों की भी कर दी है। और फिर जब के एक्ट में मौजूद था कि सर्विंग जजेस जो हैं वही ट्रिब्यूनल बनेंगे, जाहिर है कि एक सर्विंग जज जो है वो अदालतों के मातहत होता है, अदलिया के डिसिप्लिन में होता है, अदलिया किस कंट्रोल में होता है, लेकिन इन्होंने एक पहले ऑर्डिनेंस और फिर एक्ट बना दिया तरमीम करके कि जी रिटायर्ड जजेस भी, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करेगी, वो भी ट्राइब्यूनल बन सकते हैं। तो फिर जब ये हाई कोर्ट लाहौर में गया तो जो उन्होंने 8 जजेस मुकर्रर किए थे चीफ जस्टिस साहब ने, इन्होंने नालिश की तो उसने, चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त को कि रिटायर्ड जजेस बनाए जाएं। सो उन्होंने किया, और ये खौफ सारा इसलिए था कि फॉर्म 47 वाले, ज़ाहिर है कि ट्रिब्यूनल्स में फॉर्म 47 वालों के ख़िलाफ़ ही नालिश थी, जो फॉर्म 45 वाले हमारे जीते हुए थे उन्हीं की नालिश थी, तो उनको मकसूद था कि ये ना हो कि फॉर्म 47 वाले उड़ जाएं और पीटीआई की सीधी सीधी जो है वो असेंडेंसी आ जाए और ये अपना 180 पे पहुंच जाएं और माइनॉरिटीज़ को मिला के ये 225 की जो है अददी बरतरी पर पहुंच जाएं और 2/3 इनके पास हो जाए। तो ये सारी की सारी काविश ये है कि इमरान खान और पीटीआई को कैसे रोका, कैसे जेर बार किया जा, जेर नगीं किया जा सकता है। अब आप एक एक करके ज़रा देखिएगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का, फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा
ये 12 के 12 एम एन ए जो रावलपिंडी से हमने मुंतखब किए हैं, एक भी इसमें से 70-75 हज़ार से हारे हुए को हमने जिताया है। और इसमें काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस भी शरीक हैं, शामिल हैं, यानी एक कमिश्नर भी कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस साजिश में शामिल हैं। फिर आप देखिएगा एक और मजाक जो किया काजी फायज ईसा साहब ने कि एक लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर जज ने फैसला दिया और के जी एग्जीक्यूटिव के जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं होंगे, हम जुडिशरी से देखते हैं। यानी ये तो जाहिर है कि हमेशा जुडिशल ऑफिसर ही विद स्टैंड करता है, इसलिए कि उसके ऊपर वर्दी वाला प्रिवेल नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव की क्या औकात है बाबा, एग्जीक्यूटिव तो जाहिर है कि जहां आपके बैठे हुए हैं हर ज़िले में सेक्टर कमांडर बैठा हुआ है, हर ज़िले में ब्रिगेडियर बैठा हुआ है, कर्नल बैठा हुआ है, मेजर बैठा हुआ है, उन्होंने जाके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पे कब्ज़ा किया, उसकी मजाल है कि वो कुसक सके, लेकिन क्या जुडिशल ऑफिसर को इस तरीके से मरऊब कर सकते हैं? काजी फायज ईसा साहब ने सिर्फ ये नहीं किया कि उसके ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, बल्कि वकील को कंटेम्प्ट नोटिस भी दे दिया कि तुम ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो। अब अंदाज़ा करें कि फिर काजी साहब ने ये फैसिलिटेट किया, सहूलतकारी की कि जनाब आप एग्जीक्यूटिव को ले लें, जो मनपसंद आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, जो आपका लायबल रिटर्निंग ऑफिसर है उसको ले लें, और जो गुलछरे उड़ाने हैं जिस तरह से करें। अवाम भाड़ में गई, जहाँ मर्जी रद्दी की टोकरी में फेंकें, अवाम की कोई हैसियत ही नहीं है। अगरचे 8 फरवरी को अवाम ने अपने आप को मनवाया, जिस ताकत से, जिस जुरत से अवाम ने जाके बाहर निकल के फैसला दिया, काजी साहब के उस फैसले को उन्होंने बिल्कुल जो है परवाह नहीं की कि इन्होंने बखेर के फेंक दिया, किसी को आलू मिला, किसी को बैंगन मिला, किसी को जो है कटोरा मिला, किसी को खिड़की मिली, किसी को पता नहीं जूता मिला, सिंबल्स। ये भी एक ऐसी मज़मूम काविश थी कि ये कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए। और फिर आप देखें कि जिस तरह से हमारे खान साहब को अभी तक अंदर रखा हुआ है, अभी तक अंदर रखा हुआ है, हमारी पिटिशन ही नहीं लगाई जाती हैं। हम अर्ली हियरिंग की, मैंने खुद अपने केस जो खान साहब का केस है उसमें 10-20 दरख्वास्तें दी हैं अर्ली हियरिंग की, नहीं लगाते। लेकिन दूसरी तरफ से पिटीशन आती है, 1 मिनट में लग जाती है वो। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में देखें क्या मजाक हुआ है, 5 रुकनी बेंच है, पहले सबका चीफ जस्टिस की सस्पेंड करके जाती है, ये उसको उड़ा के परे मारते हैं आगे, और उस वक्त तक ये डिफाइंस करते हैं। जब पहले सबका चीफ जस्टिस ने एक लार्जर बेंच बनाई थी जिसमें काजी फायज ईसा खुद बेंच का हिस्सा थे, ये उठ खड़े हुए बाकायदा वॉकआउट किया, बाइकआउट किया। कभी जज बाइकआउट कर सकता है, वॉकआउट कर सकता है? इससे बड़ी मिसकॉन्डक्ट क्या हो सकती है? लेकिन किया जनाब। और अब जो है माशाल्लाह अब वो ये समझते हैं। और फिर जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा एक पेंडिंग केस है 190 मिलियन पाउंड का, पता है काजी साहब को उस केस का पता है? वो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज का पैसा था, जो रियल एस्टेट टाइकून है, वो अपने जाती कारोबार के लिए लेकर गया था बाहर। उसने वहाँ हसन नवाज की वन हाइड पार्क पैलेस 50 अरब रुपए में खरीद की, 50 अरब रुपए। नवाज शरीफ को तो कोई नहीं पकड़ता, उसके बेटे को तो कोई नहीं पकड़ता। वो 50 अरब रुपए में खरीद की वन हाइड पार्क पैलेस हसन नवाज से, और वहाँ से नेशनल क्राइम्स एजेंसी जो है बरतानिया की, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जिस तरह यहाँ भी होता है FIA अगर किसी ट्रांजैक्शन को मशकूक समझती है तो वो इंक्वायरी करवाती है। वो करते हुए पता चला कि 190 मिलियन पाउंड की इन्होंने, मलिक रियाज ने वहाँ उसकी फैमिली ने अकाउंट्स लिए, उन्होंने सारा छानबीन की, उन्होंने कहा तुम्हारे पैसे हैं, बताओ इसको क्या करना है। कोर्ट के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वेस्ट मिनिस्टर में कॉम्प्रोमाइज़ होता है मलिक रियाज का,
नेशनल क्राइम्स एजेंसी का, और अदालत के हुक्म से 190 मिलियन पाउंड वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। यार किसी को खुदा का खौफ भी नहीं आता, इमरान खान को कहते हो एक ढेला उसमें से इधर उधर नहीं हुआ, और अदालत के जरिए। ये कोई पाकिस्तानी अदालत नहीं है और ना ये पाकिस्तानी क्राइम एजेंसी है, हमारी नैब हमारी FIA नहीं है, वो भेजते हैं। ये प्रेडिकेटेड ऑफेंस भी नहीं बनता था। प्रेडिकेटेड ऑफेंस वो होता है जो क्राइम प्रोसीड से पैसा गया हो, तो क्राइम प्रोसीड भी नहीं उन्होंने वो पाया तफ्तीश में, उन्होंने कहा ये इसका अपना पैसा है और ये यहाँ बिजनेस के लिए लेकर आया है, उन्होंने कहा वापस ले जाओ। ठीक, तो उसमें क्या हुआ? और बाकी रहा ये अलकादर, जिस तरह इन्होंने कह दिया ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है वो आज भी वहाँ मौजूद है और ट्रस्ट के नाम है हर चीज़, वो भी खान साहब या बुशरा बीबी के नाम, कुछ भी एक ढेला नहीं आया। तो ये चीफ जस्टिस काजी फैजी सा कौन होता है फतवे देने वाला? और अगर ये इन्फ्लुएंस करता है मातहत अदालत को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी ऑबिटर भी बाइंडिंग होता है, और एक नीचे वाली अदालत, अब बताएं वो फाइनल स्टेजेस पर आया है उसके बाद क्या रह जाता है? इससे बड़ी बदध्यानती क्या हो सकती है? तो हमने ये तमाम चीज़ों का अहाता करके लिख कर दिया है कि खुदा रा आप अपने आप को रिक्यूज कर दें इस केस से। कल ही हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें काजी फैज ईसा साहब ने एक अहमदियों के बारे में ब्लास्फेमी पर एक केस का फैसला किया, रिवीजन का फैसला किया, और कमेटी का ये था कि इन्होंने मुसलमानों की जज्बात को मजरू किया है, इस्लाम से ये खिलवाड़ किया है, इन्होंने मुस्लिम उम्मा से खिलवाड़ किया है, इन्होंने आईन की तजहीक की है, इन्होंने कानून की तजहीक की है, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। तो ये चीज़ें देखें, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि काजी साहब को इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए, और हमारी दरख्वास्त ना लेना इसका तो कतअन कोई जवाब नहीं बनता है। सो हम आपके तवसत से भी कौम को बता देना चाहते हैं, हमारा कोई ज़ाती परखाश नहीं है, हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, हमारी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, और हम इंसाफ पर मर मिटने वाले लोग हैं। कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, ना इंसाफी की रियासत नहीं चली चलती है। काजी साहब खुदा का खौफ करें। थैंक यू वेरी मच सर।